आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि बड़ा इम्पोर्टेंट जो है पार्ट चल रहा है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटन चाहे नेट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर बच्चों हो, ये इससे क्वेश्चन जो है हम जिसे हम बताया है इससे क्वेश्चन बच्चों मिलता रहेगा। लेकिन इसको वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तो बच्चों ये पहुँचता रहेगा, और इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपके दूर बैठे मित्र यार हैं उनके पास तक बच्चों ये वीडियो आसानी से मिलता रहेगा। और हम ये आशा करते हैं कि आप कोरोना काल में स्वस्थ और कुशल से होंगे और घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं ये, और पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि जितना प्रतियोगिता का जमाना है वो कंपटीशन का, और कंपटीशन में तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जबकि आप जो है वो बढ़िया मेहनत से पढ़ाई करेंगे। और कोरोना से आप बचें, ये हमारे भगवान से प्रार्थना है वो। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको बहुत सारे हिदायत बरतनी पड़ेगी। करते हैं आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्टीब्रल कॉलम और बैकबोन। जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि वर्टीब्रल कॉलम और जो बैकबोन होता है वह संख्या कितनी होती है, तो और किस प्रकार से जो होती है मैंने व्यवस्था होती है वर्टीब्रे की, वो हम आज आपसे बारे में बताएंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो। तो यहाँ पर जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है ये थर्ड वर्टीब्रा का है, ये थर्ड वर्टीब्रा माने कि थर्ड वर्टीब्रल कॉलम, थर्ड वर्टीब्रल कॉलम और इसी क्या कहते हैं बैकबोन कहते हैं। बैकबोन माने जो पीठ की हड्डी होती है, पीठ की जो अस्थियां होती हैं जिसे कि कशेरुक दंड हम कहते हैं, तो उसका एक जो है ये थर्ड वाला है, ये माने जो थर्ड कशेरुक का होता है ये, उसका ट्राइग्राम आप बना हुआ जो है वो। अब होती है कि जो हमारे बैकबोन होता है, बैकबोन या जो वर्टीब्रल कॉलम होता जो है वो, तो उन दो कशेरुकाओं के बीच में माने जो दो कशेरुका होती है उसके बीच में चपटी वृत्ताकार इंटर वर्टीब्रल डिस्क और इसे बच्चों क्या कहते हैं पैड कहते हैं। माने कि दो कशेरुकाओं, प्रत्येक दो कशेरुका के बीच में चपटी वृत्ताकार इंटर वर्टीब्रल डिस्क या इसे क्या कहते हैं हम पैड कहते हैं वो। और जिसका जो परिधि भाग होता है वह तंतुमय उपास्थि या उसे इंग्लिश में कहते हैं फाइब्रोकार्टिलेज कहते हैं जो है वो। फाइब्रोकार्टिलेज माने इसका जो जिसका परिधि भाग जो होता है तंतुमय उपास्थि या फाइब्रोकार्टिलेज का, तथा केंद्रीय भाग जो होता है कोमल लचीले ऊतक का, माने केंद्रीय भाग जो होता है वह कोमल लचीले ऊतक का बच्चों क्या होता है ये बना हुआ होता है ये। अब होती है कि जिस समय जो कोमल जिसका इसमें जो बना होता है और केंद्रीय भाग जो होता है उसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस, इसे हम न्यूक्लियस केंद्रीय भाग को जो होता है न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं जो है वो। और ये जो होता है इसमें इन गद्दियों के कारण कशेरुक दंड में जो है वो काफ़ी लोच होता है वो। और लोच माने कि लोच या फ्लेक्सिबल होता है वो, तो लोच होने के कारण माने कि जो लोच होता है इससे हमको आराम मिलता है झुकने में। और जिस समय आदमी की एज बढ़ती चली जाती है वो माने ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द एज, तो इन जो गद्दियाँ होती हैं ये गद्दियाँ घिस जाती हैं वो, तो घिस जाती हैं और इनका लोच कम हो जाता है। और जो कभी कभी जो होती हैं बाहर फैल करके ये जो होता है मेल रस से निकलने वाली तंत्रिकाओं को, माने जो हमारा वर्टीब्रल कॉलम होता है उससे ऊपर से नीचे तक जो होता है वो तंत्रिका होती हैं वो, ठीक है, उसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहलाता जो है वो। अब होती हैं इनके मूलों पर क्या करती हैं, इनके रूट्स पर माने जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल का जिसे मान लीजिए कि ये पोर्शन क्या कहलाता जो है ये रूट पोर्शन कहलाता है, तो रूट पोर्शन पर जो होता है दबाव डालती हैं वो। और इससे संबंधित जो पेशियाँ होती हैं उन पेशियों में जो होता है ये एक
बहुत तेज पीड़ा उत्पन्न होती है। वो मीन्स क्या होता है, जब्बर करके दबाव डालती हैं तंत्रिकाओं पर, तंत्रिकाओं के मूलों पर, तो बच्चों क्या होता है, इससे संबंधित जो मांसपेशियां होती हैं, वो जो मसल्स होता है उस मसल्स में बहुत तेज पीड़ा होती है वो, और पीड़ा इतनी ज़्यादा होती है कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है वो। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य इसके लिए मनुष्य को जो है न्यूरो के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो न्यूरो को डॉक्टर क्या काम करता है, न्यूरो या हड्डी के डॉक्टर भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो क्या करता है ऑपरेट करके, ठीक है ऑपरेट कर दे, क्योंकि मतलब ऑपरेट कर देता है और हमको पीड़ा से राहत मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत भयंकर पीड़ा, जैसे आदमी झुकता है या करोड़ बदलता है तो वो मांसपेशी में बच्चों क्या होती हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है पीड़ा उत्पन्न होती है वो। अब होती है कि जो ये बना हुआ है थर्ड वर्टिब्रा का डायग्राम बना हुआ बच्चों, इसमें देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो, इसके बाद वर्टिब्रल या एक मतलब इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल न्यूरल फोरामेन होता जो है वो, तो होती है इसी से न्यूरल जो फोरामेन होता है इसी से स्पाइनल कार्ड जो होती है हमारी आगे बढ़ती है वो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता बच्चों वयस्क में, इसकी लंबाई जो होती है 61 सेंटीमीटर होता है, माने जो बैकबोन होता है हमारी उसकी लंबाई कितनी होती है वो 61 सेंटीमीटर होता जो है वो। और महिलाओं में स्त्रियों में थोड़ा सा कम होता है ये, लेकिन एडल्ट मेल में जो होता है इसकी लंबाई बच्चों कितनी होती है वो 61 सेंटीमीटर होता है वो। अब होती है कि देखिए इसमें न्यूरल पल्पोसस हो गया तो न्यूरल फोरामेन होता जो है वो। अब होती यहाँ पर देखिए ऊपर एक स्पाइनस प्रोसेस निकला हुआ होता है वो, तो एक के ऊपर एक स्पाइनल प्रोसेस जो होती फट जाती हैं वो। इसके बाद जो होता है यहाँ पर सुपीरियर माने कि दो आर्टिकुलर प्रोसेस होती हैं वो, यहाँ पर देखिए दो आर्टिकुलर प्रोसेस होती हैं, एक को हम सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं और दूसरा जो होता है इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहलाता है वो। माने इसमें दो प्रोसेस होते हैं वो, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और अगला होता है माने आगे वाला पोर्शन को सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं और नीचे वाली क्या कहते हैं, इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद बच्चों क्या होता है, जो उभार निकला होता है चूँकि स्पाइन नुमा होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, माने देखिए ये पर क्या होते हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर यहाँ देखेंगे एक आर्क होता है, इसको लैमिना ऑफ वर्टिब्रल आर कहते हैं वो। ये जो होता है क्या कहलाता है, लैमिना ऑफ वर्टिब्रल आर कहलाता है वो। इसके बाद ये ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है जहाँ से न्यूक्लियस से अटैच करता है इसको क्या कहते हैं, पेडिसल या ब्रिंथ कहलाता है वो। तो ये बच्चों जो होता है क्या कहलाता है, ये पेडिसल या ब्रिंथ कहलाता है। तो ये जो बना हुआ है ये थर्ड वर्टिब्रा माने जो तीसरी कशिका होती है उसका यहाँ पर जो है ये बच्चों बना हुआ है वो। अब होती है नेक्स्ट हेडिंग आता है कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल फोरामेन। नेक्स्ट हेडिंग आता है कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कर्वेचर, तो कर्वेचर मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी होती है कशेरुक दंड का झुकाव। इसकी हिंदी होती है कशेरुक दंड का झुकाव। तो जिस समय कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की बात बच्चों करते हैं तो हमारा जैसा तुमने बताया था इससे पहले की वीडियो में कि जो हमारी बैकबोन होती है वो सीधी नहीं होती है वो, बल्कि जो होता है उसमें कर्वेचर माने उस यश के आकार का होता है। और इससे फायदा ये होता है देखिए ऐसा ऐसा दिखाई पड़ता जो है इस टाइप से ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे बोन हो गई जो है ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये क्या हो गया माने 26 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं जो है वो। तो जो पहला जो माने इसमें चार, एक दो तीन और चार माने इस प्रकार से माने कि जो होता है, हालांकि हमारा शरीर जो होता है दो टांगों पर फिक्स होता है वो, लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसमें चार झुका होते हैं वो। तो एक को कहते हैं जो पहला इधर होता है इसको हम कहते हैं सर्विकल
सर्विकल कर्वेचर कहते हैं, वो सर्विकल कर्वेचर कहलाता जो है वो, जो निक वाला पोर्शन होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो आगे वाला पोर्शन, तो यहाँ पर ये सर्विकल बेड कर्वेचर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये जो होता झुका होता है, इसको हम थोरेसिक कर्वेचर कहते हैं। वो ये जो होता है ये कहलाता है थोरेसिक, थोरेसिक कर्वेचर कहलाता जो है वो। इसके बाद यहाँ देखिए कमर वाला होता है ना जो, ये वाला पोर्शन, इसको हम लंबर कर्वेचर कहते हैं। वो लंबर कर्वेचर कहलाता जो है वो है। इसके बाद जो होता है ये होता है जो है वो, फिर लास्ट वाला होता है ये पोर्शन जो है वो, इसको हम सैक्रल, इसको हम सैक्रल कर्वेचर कहते हैं जो है वो है। मतलब कि निश्चित का झुकाव है वो, पहला होता है सर्विकल कर्वेचर होता है वो, मंदिर वाला पोर्शन होता है। इसके बाद थोरेसिक पोर्शन माने ये वक्ष वाला पोर्शन है, इसको हम थोरेसिक कर्वेचर कहते हैं। फिर एक कमर वाला होता है, इसको हम लंबर कर्वेचर कहते हैं। और जो लास्ट वाला जो पुच वाला होता है, क्या कहते हैं, सैक्रल कर्वेचर कहलाता है। माने इसमें चार प्रकार के झुकाव होते हैं जो है वो। अब होती है कि यहाँ पर एक पोर्शन हमारा नेक का पोर्शन हो गया, ये हमारा वक्ष का पोर्शन हो गया, और ये हमारा कमर का पोर्शन हो गया। और बच्चों ये क्या होता है, ये सैक्रल माने कि ये शूर्ण भाग, मतलब कि ये वाला जो होता है त्रिक भाग पोर्शन होता जो है वो, लास्ट वाला पोर्शन है वो। अब होती है कि जो गर्दन में माने जो सर्विकल कर्वेचर होता है, इस गर्दन जिसे हमने बताया था सात हड्डियाँ होती हैं। अब होती हैं कि वक्ष भाग में माने थोरेसिक कर्वेचर में 12 एक साइड होती हैं और 12 एक साइड होती जो। इसके बाद जो हमारा कटि भाग होता है, इसको लंबर कर्वेचर या कटि भाग कहते हैं बच्चों। कटि माने कमर होता है वो। अब कमर भाग में जो होता है उसमें उसमें 5 हड्डियाँ होती हैं वो। इसके बाद जो सैक्रम कर्वेचर होता है, सैक्रम माने कि सैक्रम जो होता है उसमें तो एडल्ट में एक होता है, लेकिन शिश में कितना होता है, 5 होती हैं वो। और लास्ट में यहाँ पर क्या हो, सैक्रम पर लास्ट में क्या हो जाएगा, कॉक्सिस हो जाता है वो। तो कॉक्सिस में जो होती है उसकी संख्या एक होती है, लेकिन शिश में जो होता है ये 4 कशेरुकाएँ, 4 वर्टीब्री बच्चों इसमें क्या होता है वो पाई जाती हैं वो। अच्छा अब होती है कि ये झुकाव जो होता है, ये जो झुकाव दिखाई पड़ रहा है, जो कर्वेचर दिखाई पड़ता है, ये दंड में माने क्या, मतलब ये जो होता है बोझा ढोने में, चलने में, माने कि ये सहतीर के समान जो होता है बच्चों ये कार्य करती है वो। अब होती है कि इतना किसके बारे में रहा जो है वो, कशेरुक दंड का झुकाव, या इसको क्या कहते हैं, कर्वेचर ऑफ द वर्टीब्रल, इसे हम कालम कहते हैं जो है, वर्टीब्रल कालम कहते हैं। हिंदी क्या होती है, कशेरुक दंड का झुकाव होता जो है वो। तो ये रहा इसके बारे में वो। अब हम बच्चों जब इसमें अगली बात करते हैं, तो ये होता है पहला, तो फर्स्ट हेडिंग वन बाय वन ले चलना है। तो पहला होता है सर्विकल कर्वेचर। तो सर्विकल जब कर्वेचर की बात करते हैं, तो जितने मैमल होते हैं वो, जिसमें कि स्लोथ माने कि जो कुछ स्लोथ, कुछ जो होता है स्लोथ और सी काऊ, सी काऊ माने क्या होता है, समुद्री गाय होती है वो। स्लोथ और सी काऊ में को छोड़ करके बाकी जो जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, जो बाकी जंतु होते हैं उसमें सर्विकल कर्वेचर में नंबर ऑफ जो वर्टीब्री होती हैं वो 7 ही पाई जाती हैं वो। माने जितने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्तनधारियों में एक दो अपवाद हैं वो, एक तो स्लोथ होता है और सेकंड बच्चों जो होता है सी काऊ होता है वो। इसमें बोन इसको छोड़ करके बाकी चाहे चूहा हो या जैसे बता, चाहे चूहा हो, चाहे ऊंट हो, माने चाहे माउस हो, माउस मतलब छोटा होता है ये, गर्दन छोटी होती है, और चाहे माउस हो या चाहे जो है वो क्या बोलते हैं कि ऊंट हो जो है वो, कैमल्स हो, और चाहे जिराफ हो, सभी की गर्दन में जो होता है 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं वो। लेकिन ये बच्चों क्या होता है कि जो गर्दन, ऊंट की गर्दन लंबी क्यों होती है, जैसे बताया था हमने बच्चों, ऊंट गर्दन लंबी क्यों होती है, क्योंकि उसके बीच में माने कि जो सर्विकल वर्टीब्रा होता है उसके बीच में बड़ी बड़ी प्लेट्स पाई जाती हैं वो, और ये प्लेट्स क्या करती हैं, इसको लंबा करने में काम करती है। तो बच्चों लाइक करने के लिए धन्यवाद।